आपका अपना न्यूज। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज आपका अपना न्यूज। मैं हूं राज माखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्हास नगर में। के न्यूज आपका अपना न्यूज। नगर सेवक अंकुश मस्के की ओर से पिछले दिनों उल्हास नगर कैंप क्रमांक 3 के शांति नगर परिसर में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि इस मेडिकल चेकअप कैंप में शांति नगर परिसर में रहने वाले कई लोगों ने आकर हिस्सा लिया। इन दिनों उल्हास नगर शहर के साथ साथ पूरे देश भर में मनसा वाचा व्रत चल रहे हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना हर सोमवार को विधिवत तरीके से की जाती है। उल्हास नगर शहर की बात करें तो माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की ओर से हर सोमवार के दिन विधिवत रूप से मनसा वाचा व्रत का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ इस व्रत के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ जी की पूजा व अर्चना की जाती है। गत सोमवार के दिन माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था के सभी पदाधिकारी व सभी सेवाधारी उल्हासनगर शहर के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर विधिवत रूप से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा व अर्चना की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा नेता श्री धीरज आइलानी जी अपने सह परिवार के साथ मौजूद रहे। इन दिनों पूरे देश भर में श्रद्धा की अगर हम बात करें तो हर सोमवार के मनसा वाचा के व्रत चल रहे हैं। श्रावण मास से ये व्रत शुरू हो चुके हैं और आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम हैं उल्हासनगर शहर से सटे अंबरनाथ शहर में स्थित है प्राचीन मंदिर शिव मंदिर, जहां पर माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की ओर से सभी भक्त आए हैं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए। ऐसे में इस मंदिर में सभी भक्तों के साथ साथ हमारे उल्हासनगर शहर के युवा नेता श्री धीरज आइलानी जी भी आए हुए हैं अपने सहपरिवार के साथ। व साथ ही इस वक्त इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था से दीपक रोहिरा जी। सर, क्या कहेंगे जो आज पूरा ये आयोजन किया गया है प्राचीन शिव मंदिर में, किस तरह का है और कितने सालों से आप कर रहे हैं? जय बोले कम कर सोले। पिछले 54 वर्षों से माता जी ने ये शुरू किया था कि 16 सोमवार मनसावाचा व्रतों का जो जो भी कार्यक्रम होता था, एक हम लोग सभी यहाँ पर इस प्राचीन शिव मंदिर में मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, उस चौमासे के व्रतों का उद्यापन से पहले यहाँ पर आते हैं उनको बुलाने के लिए कि आप भी आइए। पूरी माता रुक्मणी देवी मंडली, माता रुक्मणी देवी सीनियर सिटीजन क्लब एक बसें भर के यहाँ पर लेके आते हैं और जय जयकार बोलों के साथ मनाते हुए यहाँ प्राचीन शिव मंदिर पर पहुँचते हैं। साथ ही आज हमारे कुमार ललानी साहब के सुपुत्र, उनकी पुत्रवधू हमारे बीच में पधारे हैं धीरज ललानी जी। माता जी का और भोले भंडारी का आशीर्वाद लेने के लिए हम तहे दिल धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह वे सब साथ में रहें और भोले के जयकारों के साथ 3 नवंबर को जो 54वां उद्यापन दिवस है उसे धूमधाम से मनाए। बोले की फौज करेगी मौज। जय बोले। के न्यूज आपका अपना न्यूज। भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 3B की ओर से पिछले दिनों भव्य मुफ्त वैद्यकीय चिकित्सा शिविर यानी कि फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस चेकअप कैंप में भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 3B के कई पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे व साथ ही साथ इस शिविर का लाभ कई लोगों ने उठाया।
आज भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 3 ब उल्लासनगर में मुफ्त आँखों का चेकअप कैंप और स्किन की चेकअप के लिए यहाँ पर कैंप लगाई है समरी बाई डायग्नोस्टिक सेंटर पर उल्लासनगर 3 ओटी सेक्शन में। यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री सुरेश हरचंदानी जी, राहुल वाजपेयी जी, हमारे अनिल पंजाबी जी और पूरी टीम यहाँ पर इतने जो पूरे वार्डवासी इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 3 ब सुरेश हरचंदानी, अनिल पंजाबी, राहुल वाजपेयी और अन्य सब लोगों ने समूरी बाई डायग्नोस्टिक सेंटर में आँखों का चेकअप और स्किन चेकअप का कैंप रखा है। ये सिर्फ चेकअप ही नहीं है बल्कि यहाँ पे जिन जिन लोगों को आँखों का चेकअप किया जाएगा, जिन्हें कैटरक का तकलीफ रहेगा, ऐसे लोगों को कैटरक का मुफ्त ऑपरेशन हम लोग सर्वानंद हॉस्पिटल के अंदर करवा के देने वाले हैं। जिन जिन लोगों को स्पेक्स की ज़रूरत रहेगी ऐसे लोगों को इस कैंप के अंदर स्पेक्स भी दिए जाएंगे। स्किन चेकअप के बाद में यह देखा जाएगा क्या ये बीमारी क्रॉनिक है या एक्यूट है। एक्यूट यानी कि इमीडिएट रिलीफ होने वाली, क्रॉनिक यानी कि काफ़ी दिनों से चल रही है। ऐसे स्किन की बीमारियों को भी एक अच्छी तरह से यहाँ पे देखा जाएगा, उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा लॉन्ग टर्म और लोगों को ये बताया जाएगा कि स्किन की बीमारी से आप प्रोटेक्ट कैसे करें, सफाई किस तरह से रखें, सोप्स किस तरह के यूज करें और किस तरह से एलर्जी से बचे, यह इस कैंप का मुख्य नियोजन किया गया है। तो आम जनता 3 ब मंडल और बाकी सब लोग इस कैंप का लाभ उठाए और फ्यूचर में आने वाले ऐसे कई अलग तरीके के जैसे कि डेंटल चेकअप, ऑर्थोपेडिक चेकअप, ऑप्थेल्मिक चेकअप के बाद में पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर होने की वजह से यहाँ पे मरीजों के लिए एडमिशन की सुविधा भी है। तो आम जनता के लिए काफ़ी अच्छा पड़ेगा। धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन के अध्यक्ष व साथ ही समाजसेवी श्री शंकर शेरी लुंड जी का जन्मदिन पिछले दिनों उल्लासनगर शहर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उनके जन्मदिन के अवसर पर माता की ज्योत का आयोजन किया गया, जहां पर माता के आशीर्वाद लेने के लिए उल्लासनगर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे व साथ ही साथ माता की ज्योत पर शंकर शेरी लुंड जी का केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। दीपावली के पावन अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन की ओर से अनाथ बच्चों के बीच कपड़े बांटे गए। बता दें कि इस
सेवा कार्य के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन उल्हासनगर की ओर से किया गया, जिसके अंतर्गत कई अनाथ बच्चों में कपड़े बांटकर ये सेवा कार्य को संपन्न किया गया। हम आज रोटरी क्लब ऑफ उल्हासनगर सपना गार्डन और रोटरा क्लब ऑफ उल्हासनगर सपना गार्डन के सारे सदस्य यहाँ पर जमा हुए हैं दिवाली पे महादान प्रोजेक्ट के लिए। हमने सारे उल्हासनगर से पुराने कपड़े बर्तन सब उठाए थे ताकि हम गरीबों में ये बांट सकें। प्रोजेक्ट शुरुआत हो रही है। हमने जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि हमने पूरा ट्रक भर लिया है और अब हम डोनेशंस के लिए निकल रहे हैं। जो हमने ट्रक भर के आज डोनेशंस कलेक्ट हुए हैं, हम आभारी हैं उल्हासनगर की जनता की, और साथ ही साथ हमें डोनेशंस बॉम्बे और बॉम्बे के सराउंडिंग, उल्हासनगर के सराउंडिंग और बॉम्बे तक की डोनेशंस आई हुई हैं, और हमारी रोटरैक टीम ने वहाँ से भी कलेक्ट करके डोनेशंस जमा किए हैं। आज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं उल्हासनगर 4 महिला आश्रम, उल्हासनगर 5 अपना स्वामी शांति प्रकाश आश्रम, और बदलापुर में बेरुमती आश्रम, और बदलापुर का एक आदिवासी गांव है वहां पर ये सारी डोनेशंस वहां पर दी जाएंगी जो भी नीडी लोग हैं उनके लिए। रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन और रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन दोनों ने मिलकर 10 दिन का एक ड्राइव किया था हमने महादान के तहत कपड़े, जूने बर्तन, किताबें और बहुत सी ऐसी अनुपयोगी चीज़ें जो जिसके घर में रहेगी वो हमें दान कर सकता है, उसका आज ड्राइव पूरा हुआ और ये हम सब कलेक्ट करके उसको सभी सेंटरों पे, जो निडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, अनाथ आश्रम है, महिला आश्रम है, वृद्धाश्रम है और आदिवासी कुछ गाँव है वहाँ पर सब लोग ये मिलकर वहाँ पर ये बांटने के लिए आज सुबह 23 अक्टूबर को जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि हितेश सुखवानी, मोना और जितने रोटरैक बच्चों ने पूरे बॉम्बे तक जो सबसे कलेक्ट करके और इतनी मेहनत करके रात को 3-3 बजे जागकर इतनी मेहनत करके और शॉटिंग की है, और उनकी सब कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर देनी है, उनको सब व्यवस्थित करके उन्होंने जो प्रोग्राम लगाया है और ये बांटने के लिए निकल रहे हैं, तो रोटरी क्लब के बच्चों के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि ऐसे समाज हित के कार्य हमेशा और निरंतर जारी रखे और ये करते रहे। आज हमारे रोटरी क्लब ऑफ उल्हासनगर सपना गार्डन और रोटरी क्लब ऑफ उल्हासनगर सपना गार्डन के सौजन्य से जो महादान का मुहिम था उसको इम्प्लीमेंट करने का दिन आ गया है। पिछले 12 दिनों से हमारे रोट्रैक्टर्स और रोटेरियंस ने जिन भी शख्सियतों ने अपने घर के अनयूज्ड जो भी चीज़ें थी, कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, फर्नीचर, बॉक्स हमें दिए हैं, उनका हमने सॉर्टिंग किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी शहरवासियों का जिन्होंने इस महादान में हमें सहयोग दिया, उन सेंटर्स का जिन्होंने हमें वो सुविधा दी कि जहाँ पे सभी सामान इकट्ठा किया जा सके। उसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा सिंधु यू सर्किल, कैलाश पर्वत हॉल, टाउन हॉल, गौशाला उल्हासनगर 5। उसके साथ साथ हमारे जो रोटेरियन मेंबर्स हैं, प्रकाश चांगलानी जी का, देवीदास भारवानी जी का सैमसंग का, और सबसे ज़्यादा महेश सुखरामानी जी का जो प्रोजेक्ट के कन्वेनर हैं, जिन्होंने ये भाटिया हॉल हमें दिया जहाँ पे वो सभी डंपिंग किया गया, और हमारे रोट्रैक्टर्स हैं और रोटेरियंस ने दिन रात मेहनत करके उनका सॉर्टिंग किया है। हम आभार मानते हैं सभी शहरवासियों का। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। उल्हासनगर शहर में गरीब जनता के लिए आए दिन सेवा कार्य होता है। कई संस्थाएं आगे आकर कई गरीब लोगों की मदद करती है अलग अलग तरीके से। ऐसे में हम आपको बता दें कि उल्हासनगर शहर के सिंधुयुद्ध सर्कल परिसर स्थित मियाराम दरबार में पिछले दिनों उल्हासनगर शहर के कुछ समाज सेवकों द्वारा गरीब लोगों में अन्नदान किया गया। चलिए दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियाँ। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़।
सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 28 अक्टूबर शुक्रवार के दिन धनतेरस का पावन दिवस है। इस दिन धन्वंतरी भगवान ने अवतार लेकर हमारी रक्षा की थी। उन्होंने जड़ियाँ बूटियाँ पैदा की थी जिसकी दवाइयाँ बनती है और हमारा शरीर निरोगी रहता है। उनका भी अवतरण माना जन्मदिन है। उनके साथ यमराज जी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। यमराज ने इस दिन भक्तों को कहा है कि जो भी मेरे नाम से घर के बाहर शाम को मिट्टी का बड़ा दिया लेके दो, उसमें एक में देसी घी और दूसरे में तिल का तेल भरकर घर के बाहर जलाएंगा तो उनके घर में अकाल मृत्यु, जिनकी गति नहीं होती है, एक्सीडेंट में मरते हैं या बीमारी में मरते हैं, पेट में मरते हैं, जो भी अकाल मृत्यु होती है उनकी सदगति नहीं होती है। इसलिए ये पूजा करेंगे तो यमराज देवता हमें आशीर्वाद देंगे कि हमारे घर में उस दिन के बाद अकाल मृत्यु न होगी, सब ठीक ठाक खुश प्रसन्न रहेंगे। और इस दिन से 5 दिन तक माने चांद के दिन 1 नवंबर तक आप मंदिर में अखंड ज्योत जलाएं, क्योंकि लक्ष्मी को एक सफाई और दूसरा ज्योत, जितना आप ज्योत जलाएंगे उतने पाप नष्ट होंगे, आपकी पीड़ा जो कष्ट है, रिटर्न गुड़ से नज़र है, वो सब दूर हो जाएंगे। इसलिए आप यमराज देवता को मनाएं। और इस दिन 12 चीज़ लेने का बड़ा महत्व है, 15,000 गुना फ़ायदा मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भगत इस दिन गणपति लक्ष्मी की मूर्ति लेता है और नारियल लेता है और गोमती चक्र लेता है और कोड़ियाँ लेता है और एक बर्तन जो पित्तल का होता है वो लेने का बड़ा महत्व है। और आप जिस दिन जितनी पूजा करेंगे उसको आपको फल मिलेगा। और इसके बाद 30 तारीख को दीपावली का महान पर्व है, इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, उसके साथ गणेश जी की होती है, हनुमान जी की होती है, लक्ष्मी की होती है। और इस दिन आप दीप जलाएं और 5 दिन तक चले। लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त है शाम को 6:45 से 8:30 बजे तक और रात्रि को 12:30 से 3:30 बजे तक, ये शुभ समय है। इसमें आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के और गणेश जी की पूजा करके उसके सामने एक संदल या चौकड़ी बिठाएं, उसके ऊपर नवग्रह देवता ओमकार और शिव की पूजा करें, उसमें नारियल चढ़ाएं, अक्षगंधा चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, सीताफल चढ़ाएं, अनार का फल, कमल का फूल, गुलाब का फूल जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, और इसकी पूजा करके आप गाय को भी मिठाई खिलाएं, गुरुदेव को खिलाएं और ब्राह्मण देवता से पूजा भी कराएं, उनको भी मिठाई फल दे के दक्षिणा दे के आशीर्वाद लें। और आप 5 दिन गणेश चालीसा, हनुमान चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसमें पाठ करने से, जाप करने से लक्ष्मी भरपूर आती है और उनके साथ कुबेर देवता की मूर्ति भी आप रखें, नहीं है घर में तो कुबेर की मूर्ति ला कर रखें तो कुबेर देवता अन्न के भंडार है, देवताओं को भंडार बढ़े थे तो आपके भी घर में वो भंडार और खुशियों के भरेंगे। इसलिए कुबेर की भी आप पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सिद्ध मंत्र है लक्ष्मी जी का, ओम ह्रीं क्रीं महालक्ष्मी नमः, ये जाप करने से लक्ष्मी अपार भंडार भरती है। सफाई का ध्यान करें, जितना आप सफाई करेंगे उतनी लक्ष्मी आपके घर में 4 चांद लाएंगी, अन धन संतान परिवार की खुशियां आपके घर में रहेंगी, जितना धर्म करोगे उतना धर्म आपको बढ़ाएगा और रक्षा करेगा। सभी शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, सतगुरु महाराज की अपार कृपा आप सभी के ऊपर सदा रहे और रहती रहेंगी। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अब खुशखबर है, क्योंकि यूट्यूब पर एक नया टीवी चैनल लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है क्लिक प्ले। क्लिक प्ले पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके की कॉमेडी सीरीज, अलग अलग तरीके की ड्रामेटिकल सीरीज व साथ ही साथ अलग अलग तरीके के धारावाहिक, कई तरह के एपिसोड। और ये चैनल जो है वो हिंदी चैनल है, इसलिए आप सभी के लिए अब खुशखबर है क्योंकि जल्द से जल्द ये चैनल यूट्यूब पर लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप इस चैनल से जुड़ी अन्य जानकारी लेना चाहते हैं या फिर अलग तरीके के सारे आप एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यूट्यूब पर जाकर सर्च करें क्लिक प्ले और क्लिक प्ले को आप सब्सक्राइब करें।
अपना न्यूज। हमारे महाराष्ट्र राज्य में बस रही दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और ओबीसी जनता के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक मोर्चा निकाला गया ठाणे कलेक्टर ऑफिस में। बता दें कि इस मोर्चे का आयोजन 23 अक्टूबर के दिन किया गया, जहां पर ठाणे, पालघर, रायगढ़ व साथ ही नवी मुंबई जिला के कई लोगों ने आकर इस मोर्चे में हिस्सा लिया और इस मोर्चे का नाम रखा गया संविधान सम्मान मोर्चा, जिसमें उल्हासनगर शहर से भी कई दलित जनता ठाणे कलेक्टर ऑफिस मोर्चा लेकर पहुंची। के न्यूज, आपका अपना न्यूज़। महाराष्ट्र ज्ञाति समाज मंडल की ओर से उल्हासनगर केम क्रमांक 4 के महालक्ष्मी लॉन्स में दसरा मेड़ावा व स्नेह सम्मेलन नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कई लोगों ने आकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चलिए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। एवढ्या वर्षानंतर म्हणजे जो साधारण 95-2000 नंतर 2000-2001 नंतर हा 2016 पहिला आमचा हा प्रयत्न आहे। तर कल्याण, उल्हासनगर, डोंबिवली, टिटवाळा आणि बदलापूरपर्यंतचा मराठा समाज आम्ही एकत्र करून स्नेह संमेलन, आज आमचा दसरा मेळाव्यानिमित्त स्नेह संमेलन आहे। आमचं 1995 मंडळ अस्तित्वात आहे, तो काही कारणास्तव स्लो झालेला आहे, पण आता परत नवीन कमिटीने तो हातात घेऊन पुन्हा परत एकदा चांगल्या प्रतिनिधी चालवण्यासाठी तो हातात घेतलेला। के न्यूज, आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। अगर आपके आसपास या आसपास के परिसर में कोई भी घटना घटती हो और आप चाहते हैं कि उस घटना को हम के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों तक या फिर प्रशासन तक पहुँचाएँ, तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर उन घटनाओं की जानकारी आप हमें दे सकते हैं। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज। माँ वैष्णवी जागरण मंडल प्रस्तुत करते हैं जोत महामाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। यह एल्बम माँ भगवती की भक्ति और शक्ति की अनूठी अनुभूति कराता है। इस एल्बम के गायक हैं माँ के परम भक्त राज माखीजा, जिन्होंने माँ भगवती की महिमा को अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया है। जोत महामाई। सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आजमा के देख लो, एक बार तुम भी आजमा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। बोलते मैया द्वार सवाले आए हैं, बोलते मैया द्वार सवाले आए हैं, करन तेरे दीदार सवाले आए हैं, आए हैं। बोलते मैया द्वार सवाले आए हैं।
साहिब खाना, मेरी अर्जी ना ठुकराना ना और मुझे तरसाना, कभी आप ही जा घर मेरे सिवा और कोई ना तेरे माँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार में होने वाले शुभ कार्य और शुभ प्रसंगों में माता की जोत, चौकी, जगराता, सिंधी लाडा, साईं झूलेलाल का बहराना साहेब या अन्य कोई भी म्यूजिकल इवेंट कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। गायक राज माखीजा। माँ वैष्णवी जागरण मंडल, संपर्क नंबर 9323137383 अथवा 9527572732। जय माता दी।